Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the biogeographical evidences of evolution. So this is the sixth video of this chapter, evolution. Already we had talked about the anatomical and morphological evidences, then embryological evidences as well as the paleontological evidences. तो हमने ये सब देख चुके हैं कि कैसे हमें proof मिला है embryos देख के या फॉसिल्स देख के हमें प्रूफ मिला है कि एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस. ठीक है, बायोजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ distribution of plants and animals on this earth, right? So you can see that when this earth is made, जब बनी थी धरती, तब ये सारे continents जो थे, ये एक ही साथ लगे हुए थे. Okay? So this is the North America, this is the South America, this is the Asia, this is Africa, right? Antarctica. This is Australia. This is India. So you can see these continents are they are together, right? धीरे धीरे ये कॉन्टिनेंट जो है दूर हो रही है. ओके, अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज है वहाँ पे. जो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं वो हमें यहाँ इंडिया में नहीं मिलेंगे. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन देयर, द टेम्परेचर देयर, सो दीज कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड लेटर ऑन. अब हुआ क्या, सपोज यहाँ पे कुछ कॉमन जो है एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, यहाँ एशिया में भी है और यहाँ पे अफ्रीका में भी है. अब जैसे ये कॉन्टिनेंट दूर हुए, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट जब दूर हुए हैं तो ये कॉन्टिनेंट दूर होने की वजह से क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म जो नॉर्थ अमेरिका में थे कुछ यहाँ थे कुछ यहाँ थे, जब कॉन्टिनेंट जो है अलग अलग हो गए तो ये ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग हो गए. ठीक है, पहले तो ये एक ही जगह रह रहे थे, दे कैन मूव हियर एंड देयर, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट्स पास पास थे. जैसे ही कॉन्टिनेंट्स दे आर मूव फर्दर अवे, अब इन ये बिल्कुल अलग स्पीशीज बन गई, ये अलग स्पीशीज बन गई, ये बिल्कुल अलग स्पीशीज बन गई. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, एशिया में अफ्रीका में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है. तो अकॉर्डिंगली इससे अब एंसेस्टर्स बिल्कुल सिमिलर थे, लेकिन अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन मिल रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है. एंसेस्टर्स जो है सिमिलर थे, तो यू कैन सी दैट जो है लैंड जो है अलग हुआ है, कॉन्टिनेंट्स अलग हुए हैं, जिसकी वजह से नई स्पीशीज बनी है, राइट. अब हम देखेंगे कि क्या क्या एविडेंसेस हैं इस एवोल्यूशन के. पहला है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने अभी बताया. डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अभी बताया, जैसे कुछ स्पीशीज जो है नॉर्थ अमेरिका में थी, कुछ यहाँ पे एशिया में थी, ठीक है, कुछ यहाँ साउथ अफ्रीका में थी. तो पहले तो ये कॉन्टिनेंट बिल्कुल पास पास थे, तो ये स्पीशीज भी बिल्कुल पास पास रहती थी और इधर से उधर मूव करती थी, सिमिलर लगती थी देखने में, है ना. बट जैसे ही ये फादर अपार्ट हुए, है ना, ये कॉन्टिनेंट अलग हो गया, ये अलग हो गया एशिया, और ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका अलग हो गया. अब ये जो स्पीशीज थी ये हो गई अलग, सेपरेटेड. अब ये स्पीशीज जब इवॉल्व हुई, है ना, तो इन्होंने कुछ ऐसी नई स्पीशीज बना ली जो कि अब दे कैन नॉट इंटरमीट, दीज स्पीशीज कैन नॉट इंटरमीट, राइट, बट दे हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, राइट, क्लियर है. ऐसा ही डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कुछ वहां चले गए, कुछ अलग कॉन्टिनेंट में चले गए, डिसकंटिन्यूसली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो वन सच एग्जाम्पल इज द लंगफिश. ठीक है, लंगफिश एक एग्जाम्पल है इसका. सो यू कैन सी द डायग्राम दैट ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, then South American lungfish, then African lungfish. So you can imagine that how they are looking different from each other, but they are arrived from the common ancestor. This here you will find in Australia, you will find Australian lungfish. Sorry, this is Africa actually. तो ऑस्ट्रेलिया में जो मिलेगी, यहाँ पे नहीं ऑस्ट्रेलिया होगा, उसमें ऑस्ट्रेलियन लंगफिश मिली. ठीक है, then अफ्रीकन लंगफिश यहाँ कहीं मिली होगी अफ्रीका में,
than in America. This is North America, so this South America में मिली है South American lungfish. So this is one of the example which shows that this continuous distribution. Is it clear? And when the continents are together, when these continents are lying together, these species are also living over there. But as and when the continents are separated, they also separated. Now they had evolved, or we can say now new type of variety is formed from the common ancestor. Clear? This is about the continuous distribution. Now about the restricted distribution. Restricted distribution क्या बताता है कि एक ही पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में वो पर्टिकुलर एनिमल्स मिल रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग दोज एनिमल एनीवेयर एल्स. सी फॉर एग्जांपल इन ऑस्ट्रेलिया. इन ऑस्ट्रेलिया यू विल फाउंड एग लेइंग और पाउच्ड मैमल्स. ठीक है, एग लेइंग और पाउच्ड मैमल्स आप मिलेंगे आपको कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में. एंड दीज मैमल्स, दीज टाइप ऑफ मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स, यू विल नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन एनी अदर कॉन्टिनेंट. यू विल नॉट फाउंड देम, कहीं और नहीं मिलेंगे ये. रीजन क्या है कि भाई जो हमने अभी इरास पढ़े थे ना, सीनोजोइक, मीजोजोइक है ना, सीनोजोइक देन मीजोजोइक, पेलियोजोइक, प्रोटियोजोइक, आर्कियोजोइक. ठीक है, तो मीजोजोइक इरा यानी कि जब मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है अलग, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है, जो पहले कॉन्टिनेंट बिल्कुल पास में थे, जब पास में थे ना कॉन्टिनेंट, तो उनको हम पेंजिया बोलते हैं. ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट बिल्कुल पास पास है, इनको बोलेंगे हम पेंजिया. तो क्या हुआ कि मीजोजोइक इरा जब भाई इवोल्यूशन हुआ, तब जब प्लेसेंटल मैमल्स या एगलिंग मैमल्स जब बन रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया पहले ही अलग हो गया था. ठीक है, अगर ये सब एक पास होते कॉन्टिनेंट, तो यहाँ से ही कुछ पाउच्ड एनिमल्स आपके अफ्रीका में चले जाते, कुछ एशिया में चले जाते, पर ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेपरेट हो चुका था और यहीं पर ही इनका इवोल्यूशन, यहीं पे ये बॉर्ड हुए. इसलिए ये आपको पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे और कहीं ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे. रीजन इज क्लियर? ठीक है, सो एज आई सेड कि मीजोजोइक इरा, देखो आपको पता है मीजोजोइक इरा में क्या था, रेप्टाइल्स थे, है ना. सीनोजोइक इरा में आपको मॉडर्न जो है मैमल्स या मॉडर्न बर्ड्स मिलेंगी, राइट. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. तो भाई मैमल्स के बनने से पहले, जब मैमल्स बने उससे पहले ही ये जो है ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया. ये वाली बात क्लियर होगी ना, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया तो भाई ये जो पाउच मैमल्स हैं इनका इवोल्यूशन वहीं हुआ, वहीं पे ये इवॉल्व हुए. कोई प्रिमिटिव जो है प्लेसेंटल मैमल होगा उससे ये इवॉल्व हुए हैं, राइट. एंड दीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स बिकॉज ये अब मूव नहीं कर सकते, यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते क्योंकि कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं अलग, तो पानी के थ्रू तो ही जा नहीं पाएंगे. ठीक है, then if now talk about the life of oceanic island. ठीक है, अभी एक आइलैंड यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आइलैंड है छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, गैलापागोस, ये आपका है साउथ अफ्रीका. ये यहाँ से 950 किलोमीटर की दूरी पे है. तो यहाँ पे बात आती है डार्विन की. डार्विन गए घूमने, एक शिप थी उसका नाम था HMS बीगल. ठीक है, यहाँ पे ये डार्विन जा रही है एक शिप में बैठ के. डार्विन इज गोइंग एंड डार्विन जब पहुंच गया गैलापागोस आइलैंड में, तो डार्विन ने देखा कि यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में कुछ ऐसी बर्ड्स की स्पीशीज हैं जो कि यहाँ साउथ अफ्रीका में भी कहीं दिख रही है, यहाँ पे भी कहीं वो दिखती है और वो यहाँ भी दिख रही है. तो वो स्पीशीज जो है जो साउथ अफ्रीका में है, वो यहाँ से पहली बात तो गैलापागोस आइलैंड कैसे आई, क्योंकि भाई दूरी तो बहुत है, 950 किलोमीटर की दूरी है. तो इन्होंने सोचा कि कहीं एंशियंट टाइम में कोई वाटर करंट के थ्रू दे रीच हियर,
और लकड़ी का कोई लॉग होगा जिस पे बैठ के कोई एक बर्ड आ गई होगी, वो यहाँ आ गई होगी, है ना, तो सरवाइव कर गई होगी वो आगे, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब वो बर्ड वहां पे सरवाइव कर गई होगी, और वो थी सीड ईटिंग बर्ड। कैसी बर्ड थी? सीड ईटिंग, सीड खाती थी। अब उन्होंने देखा इस सीड ईटिंग बर्ड से कई तरह की नई नई स्पीशीज बनी हुई है। कुछ इंसेक्ट्स खा रही हैं, कुछ कैक्टस को खा रही हैं, कुछ फ्रूट्स खा रही हैं, कुछ हार्ड सीड्स खा रही हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन अवॉइड करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स को चुन लिया है, और अकॉर्डिंगली उनका जो है बीक का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया है, ठीक है, बीक का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। सो यू कैन इमेजिन दैट हियर दिस इज दीज आर द बर्ड्स जिनको डार्विन फिंचेस बोलते हैं। डार्विन फिंचेस क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे कॉमन एक एंसेस्टर है, जो सीड ईटिंग बर्ड है, जो कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। अब इससे बने हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, इसी से बनी है सीड ईटिंग बर्ड्स, सीड ईटिंग, सॉरी सीड ईटिंग तो खुद ही है, इसी से बनी है आपकी फ्रूट ईटर्स बर्ड्स, सॉफ्ट पार्ट खाती हूँ, इसी से बनी है कैक्टस ईटर्स। अब आप क्या देख रहे हो, एक पॉइंट से रेडिएशंस निकल रही है ना, एक पॉइंट से रेडिएशंस निकल रही है, तो रेडिएशन दूर भाग रही है, तो इस टाइप का जो एवोल्यूशन है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हमने पहले बात किया हुआ है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो। तो डाइवर्जेंट क्या होती है, डाइवर्जेंट रेस वो होती है जो एक पॉइंट से निकल रही होती है और दे विल स्प्रेड, है ना, ये हो गया डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट होती है बहुत दूर दूर से आ रही है और वो एक जगह मिल जाती है, मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स बन रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, दे हैव मॉडिफाइड देयर बीक, उनमें मॉडिफिकेशन हो गए हैं। किसी की बीक जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे इंसेक्टिटस की बीक किस टाइप की है ना, कैक्टस वाले की, जो कैक्टस खा रही है उसकी बीक कैसी है। सो यू कैन थिंक दैट हाउ दे इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, right, and this type of evolution is the divergent evolution, and it is also called adaptive radiations. Radiations निकल रही है ना, radiations निकल रही है from a common thing, common ancestor से radiations निकल रही है according to the adaptation, ठीक है ना। So definition क्या हो गई, divergent evolution is a type of evolution which produces new species. These all are the new species. Diverge from a single ancestor form, ये हो गई single ancestor form से diverge हुई है, and adapted to a new invaded habitat. अब नई नई habitat, ये fruit खाती है, ये cactus खाती है, ये insects खाती है. So, is it clear what is divergent evolution? So this is what the divergent evolution. ऐसा ही divergent evolution, you remember this divergent evolution also called adaptive radiation, is also shown in the Australian marsupial. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में देखा गया कि यहाँ पे कोई कॉमन एंसेस्टर्स है, कॉमन एंसेस्टर है, उससे तरह तरह की स्पीशीज बन गई है, ठीक है। कंगारू बना है उससे, मार्सुपियल रेट, बैंडेड एंटीटर, टाइगर कैट, टेस्मेनियन वुल, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल वुल, कोला, बैंडिकूट एंड वुम्बैट। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशन, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है, एंड दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, डेवलपमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन इन विच द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडाप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कन्वर्जेंट मतलब कुछ अनरिलेटेड ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। ये है मैमल्स, बैट है सपोज, ये है एज, ये बर्ड है, ये है इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हनी बी और बटरफ्लाई, ये अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब इनके अंदर कुछ ऐसे एडाप्टिव स्ट्रक्चर्स है, कुछ बिल्कुल सिमिलर है, जो सिमिलर मतलब एक एनवायरनमेंट में हेल्प कर रहे हैं रहने के लिए।
you know that they all will live in a common habitat, that is what we call air. Okay, so they are converging at one place, so they have some similar adaptive functional structures. What is that? Here they are the wings. ठीक है, सबके पास विंग्स हैं, ओके, एंड दीज विंग्स आर हेल्पिंग देम टू लिव इन द पर्टिकुलर हैबिटेट दैट इज एयर, राइट, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. इस टाइप का एवोल्यूशन होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इजंट इट. नाउ दिस इज द डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी. हियर यू कैन सी ये ऑस्ट्रेलियन पेसेंटल मैमल है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पेसेंटल मैमल्स, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमन एंसेस्टर है किसका? प्लेसेंटल मैमल का. यहाँ पे कोई कॉमन एंसेस्टर है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का. ठीक है, अब प्लेसेंटल मैमल से प्लेसेंटल मैमल कॉमन जो एंसेस्टर है उसी से मोल बना है. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में मार्सुपियल मोल बना है. ठीक है, देन यहाँ पे एंट ईटर बना है, यहाँ पे भी एंट ईटर बना है जिसका नाम है नंबर नंबर एंट ईटर. ठीक है, जो आंट्स को खाता है उसके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है माउथ का कि वो होल में अपना माउथ एंटर कर देता है और आंट को खा लेता है. तो यू कैन सी द पॉइंटेड सा माउथ है इनका, तो दे आर द आंट ईटर, राइट. देन माउस, प्लेसेंटल मैमल से ही माउस बना है, यहाँ भी मार्सुपियल माउस बना है. देन लेमुर, ये क्लाइंबर है. ठीक है, ये भी क्लाइंबर है, कसकस, कसकस भी क्लाइंबर है लेकिन ये मार्सुपियल है. ठीक है, देन मार्सुपियल जानते हैं जो पाउच अपने बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन होती है उसमें वो बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो होते हैं मार्सुपियल्स. ओके, देन ग्लाइडर, ग्लाइडर आपके आगे फ्लाइंग स्क्विरल. और यहाँ पे है फ्लाइंग फैलेंजर, दैट इज ग्लाइडर्स. ठीक है, देन कैट, यहाँ पे कैट है बॉब कैट. और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है वो है तास्मेनियन टाइगर कैट. ठीक है, देन योर वोल्फ, और यहाँ पे है तास्मेनियन वोल्फ. ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो अलग अलग जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे ये अलग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है ना, ये दूसरा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है. ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन भी हो सकता है उसे, है ना, एडेप्टिव रेडिएशन. सो अकॉर्डिंग टू द एडेप्टेशन दे आर रेडिएटिंग. ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये भी एडेप्टिव रेडिएशन ही है. एंड वॉट आई सेड कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहा है ना, डाइवर्जेंट. ये अलग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है पेसेंटल मैमल का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का अलग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है, एक ही कॉन्टिनेंट है, एक ही कॉन्टिनेंट में हो रहा है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, एक ही कॉन्टिनेंट में हो रहा है पर अलग अलग प्लेस पे हो रहा है. गेटिंग माई पॉइंट, डाइवर्ज कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट से नई नई स्पीशीज बन रही है, डाइवर्ज हो रहे हैं, है ना. अब क्या बात करनी है कि अब आप देख सकते हो ये मोल और या मार्सुपियल मोल, दे हैव द सिमिलर हैबिटेट, दे ऑक्यूपाई द सेम निश. ठीक है, दे ऑक्यूपाई द सेम निश. जैसे अभी हमने बात करी थी कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन में कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे वो आ गए हैं, कुछ ऐसे ही उनका एडेप्टेशन है that they are living at one place, they have some adaptation. So ऐसे ही mole जो है, marsupial mole या placental mole जो है, they have same niche, they occupy the same niche in the continent.
सो दिस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन नाउ, अब इसको टुगेदर वी कॉल इट व्हाट, दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जेंट रेवोल्यूशन. ठीक है, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट रेवोल्यूशन. समझ में आई वाली बात? तो जैसा आपको एनसीईआरटी में दिया है वैसा आपको एक बार देख लेनी है फिगर कि कौन सी किसकी है, मैचिंग करने को कभी कभी आ जाती है. ठीक है, तो ये मोल है, ये मार्सुपियल मोल है, ये एंट ईटर्स हैं दोनों, राइट. दिस दीज आर द माउस, माउस तो पता ही चल जाएंगे अलग से. ओके, दिस इज लैमर, दिस इज स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजियर. नाउ दिस फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजियर, दे बोथ आर शोइंग व्हाट, दे बोथ आर शोइंग कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है, क्योंकि उनका लिविंग हैबिटेट जो है वो एक ही है, तो दे आर लिविंग एट वन प्लेस, सेम निशा होगी, तो दैट इज वॉट वी कॉल कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है, अगर हम फ्लाइंग स्क्विरल और लेमर की बात करें तो दे हैव डिफरेंट हैबिटेट बट दे अराइज फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, तो दे विल दे बोथ विल सर्व दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ये है बॉब कैट एंड ये टाइगर कैट, दिस इज अ वुल्फ, दिस इज टैस्मेनियन वुल्फ. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बायोजियोग्राफिकल evidences of evolution. I hope you like this video. Thank you for watching, and please go to my playlist where you will find all my videos which I had uploaded. You just go through them because I had uploaded in detail. सारे डिटेल में वीडियोस आपको मिलेंगी वहाँ पे, और बहुत सारे चैप्टर पूरे के पूरे अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार चेक करिएगा. थैंक यू गाइस.